सो गाइस, कैसी तेरी खुदगर्जी है? ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट सीन, बिकॉज जो महक के पप्पा हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पुलसा आ गया है। एंड अभी नेक्स्ट सीन देखना है, नेक्स्ट सीन में क्या होगा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि महक ने शमशेर को कॉल किया है हाँ एंड शमशेर और उनकी क्या बात होती है अभी वो पता चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैंने कहा था ना, मैं कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना चाहता उसके पास। चलो भाई, तुम्हारी भाभी की कॉल आ रही है, तुम जाओ। ओके, मिलते हैं फिर। भाभी की कॉल आ रही है, अदी भाभी। लोल, हेलो शमशेर, फिर से कहो। मेरे पापा पुलिस के पास हैं। आपने अरेस्ट कराया हमें। पापा परेशान हैं। उनके पास उनकी दवाइयाँ भी नहीं हैं। अब प्लीज किसी तरह उन्हें छुड़वा दें। नहीं ये नहीं, जो तुम पहले कह रही थी। पापा ने, अरे बाबू नहीं, मेरा नाम लो। शमशेर। हाँ मेरा नाम। अगर तुमने मेरे नाम के अलावा इस वक्त कुछ भी बोला तो तुम्हारा बाप सारी उम्र जेल में सड़ता रहेगा। मेरा नाम लो। जबरदस्ती है भाई। एक बार फिर से। प्यार से बोल। सुबह होने से पहले तुम्हारे बाबा घर पहुंच जाएंगे। सुबह होने से पहले तुम्हारे बाबा घर पे पहुंच जाएंगे। शेर के पास अपने वाला फोन है, पता है वो जो वीवो वाला। तुम अदालत में कल यही कहोगे कि तुमने इम्तियाज से 20 लाख लिए और वक्त पे वापस नहीं किए। सर मैं नहीं जानता किसी इम्तियाज को, और ना ही मैंने किसी से 20 लाख रुपए लिए। सर तुम वही कहोगे जो मैंने तुमसे कहा। सर क्यों कर रहे हैं आप ये? मैं किस दार आदमी हूँ सर? मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ सर, मैं उस्ताद हूँ। परवेश जी साहब जी, कुछ है बर्फ की सिल मंगवाओ और डंडे को तेल लगवाओ। नहीं सर, किसी की शराफत निकालते हैं। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ सर, प्लीज सर आप मेरी बात को। बैठो इधर भाई, प्लीज। मैं जी जी कल अदालत में वही कहेगा जो आप कहेंगे सर। छोड़ दो सर। क्या मतलब सर? FIR कटी तो कोई बात नहीं, फाड़ दो FIR। प्लीज मुझे, मैं कुछ नहीं किया। पड़ जाएगी FIR से। नहीं बात कराओ जरा। हाँ करवाता हूँ। रंगल कमाल करते, आपने बताया नहीं आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। फिर मैंने इनसे कह दिया आपको घर तक पैसा छोड़ के आएंगे। आइंदा भी कोई मसला हो ना तो मुझसे डिस्कस कर लिया करें। चले अपना ख्याल रखें। ये पर वैसे
पत्थरी लग गई है आपको। मैं सर छोटे साहब का आपकी लड़की पे दिल आ गया है। चले छोड़ के आते हैं आपको इज्जत के साथ। गुलशेर गाड़ी निकलवाओ। पहले थप्पड़ मारा इधर, थोड़ी देर पहले ही आ जाता फोन है, बेचारे अंकल ने थप्पड़ खाया बेचारे अंकल। बस बीपी का मरीज है बंदा, ऊपर से थप्पड़ खा रहा। देखो कोई लोग खड़े गली में, कोई खिड़की में, कोई कहीं नहीं। जान कोई भी नहीं है, क्यों आएगा यहाँ कोई? मेरा मेरा तमाशा देखने के लिए। इस गली में सारी जिंदगी सर उठा के चलाऊं, उस गली में सब झुका के कर आया हूं। कोई सती बची मेरी, लोग मुझे मेरे सर झुका के सलाम करते थे, कोई सत नहीं है मेरी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? उस्ताद हैं, सारा मोहल्ला आपकी इज्जत करता है। नहीं करता था, आप क्यों करेगा? उनकी नजर में तो मैंने गबन किया है ना, लाखों रुपए का गबन किया है मैंने। मैं चोर हूँ, चोर हूँ मैं। नहीं अकरम, कैसी बातें कर रहे, क्या हो गया आपको? अच्छा यहाँ आके बैठे हैं। तुम्हें पता है मेरा मेरा सबसे बड़ा कसूर क्या है? मेरा सबसे बड़ा कसूर यह है कि मैं मिडिल क्लास का एक बहुत छोटा सा मामूली सा आदमी हूँ। मेरा कसूर यह है कि मैं बेटियों का बाप हूँ। मेरा कसूर यह है कि मैं उस्ताद हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। सबसे बड़ा कसूर वह मैं हूँ जिसने बेटियां पैदा की है, जिसका दिल चाहेगा जब चाहेगा मेरी बेटियों को उठा के ले जाएगा, जब दिल चाहेगा मुझे जेल में डलवा देगा, जब दिल चाहेगा मुझे पिटवाएगा। मुझे तुम लोग भी मुझे मारो, क्या सीन है भाई? अभी ये काय को है, ये क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है आप सब लोग? यहाँ कैसी तबीयत है प्रोफेसर साहब की? बेहतर है, इंजेक्शन लगा दिया, आराम कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं घुमा फिर आके बात नहीं करूँगा। ये शरीफों का मोहल्ला है, आए दिन गुंडे मवाली इस गली के चक्कर लगाते हैं, कभी बंदूकें चलती है तो कभी पुलिस आ रही है। देखें हम भी शरीफ लोग हैं, बहु बेटियों वाले हैं, और ये सब यहाँ नहीं चलेगा। समझा नहीं, क्या नहीं चलेगा? ये आप अच्छी तरह जानते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बहरहाल जो चल रहा है इस सिलसिले को बंद करवाइए और प्रोफेसर साहब से कहिए कि ये मोहल्ला छोड़ कर कहीं और शिफ्ट हो जाए। बस चलो भाइयों। अरे भाई तुम्हारे फुफ्फड़ की प्रॉपर्टी है वो, है मोहल्ला छोड़ के तुम्हारे फुफ्फड़ का मोहल्ला है वो, नॉनसेंस। तो तुमको क्या लेना देना, ऐसे कैसे कोई बोल सकते हैं मोहल्ला? तुम मोहल्ले के मतलब वो हो, क्या बोलते हो उसको, मालिक है? ऐसे करते लोग, सुना नहीं।
जब रेंट पे रह रहे हो वो बात अलग है फिर। खुद का है तो उनकी मर्जी भाई, किधर भी रहे तुमको क्या लेना। मैंने बात की थी मगर क्या है तुझे? मगर क्या, वो किसी और लड़की को पसंद करता। किसी लड़की को पसंद करता? किस लड़की को? किसी मामूली टीचर की बेटी है। मामूली टीचर? जी बाबा साहब, शमशेर के साथ किसी वीडियो में आई थी वही लड़की है। कैसा वीडियो? नहीं ऐसे कोई बात नहीं, वो खैर मैं बात करके ना समझा दूंगी, बच्चा है। मम्मी आप भले कोशिश कर लें, टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, आसार अच्छे नहीं लगते। हमने कितना सुना है ना कि मामूली सड़क छाप लड़कियां जो हैं किस तरह रईस आदों को फंसाती हैं। नो क्लास, नो फैमिली, लोअर क्लास, सड़क छाप लड़की। इस घर की बहू नहीं बन सकती। ये कोई उसका मामूल पे शौक नहीं है, हमारे खून और नस्ल की बात है। ये बात अच्छी तरह से समझा देते वरना फिर मुझे समझाना पड़ेगा। तो गाइज ये था हमारा रिएक्शन, बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो था एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड था कैसी तेरी खुदगर्जी, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा है। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड हम मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ। देखते हैं कि शमशेर के पप्पा क्या करेंगे जब उनको पता चलेगा कि किसकी लड़की है वो, एंड शमशेर ने क्या किया उसके पप्पा के साथ, उसकी फैमिली के साथ। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।